सो भाई यो यार मतलब सो यार यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका कैसे था सो नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसे कि तुम सब देख सकते हो, मैं पूरा स्टैक हो चुका हूँ डायमंड का। पिछली वीडियो में मैंने बस लेगिंग्स और ये खरीदे थे, तो अब हम पूरे स्टैक हो चुके हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास पड़ा है ओशन एक्सप्लोरर मैप, बहुत दिनों से पड़ा है। एंड ये मैं जैसे कि तुमने देखा होगा एक्सप्लोर मतलब रेड भी करी दो मिनट में पहुंच जाता हूं मैं। इतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं है, पर हाँ दो मिनट में पहुंच जाता हूं मैं, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं है। तो अब क्या करना है मुझे, तो अब मेरा ना मैंने ट्यूटोरियल देखा था इसका, कि मेरे को सबसे पहले भाई मेरे को कुछ नहीं बताया उस मॉन्यूमेंट में कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर कैसे करना होता है। तो आई नो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर मैंने मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है ये मेरा। बस मैंने थोड़ा सा ट्यूटोरियल और टिप कह सकते हो, टिप देखी है, वो ये है कि मेरे को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा कोबलस्टोन, जो कि ऑफकोर्स मैं लेके जाऊँगा, डोर्स मैं ले जाऊँगा। वैसे वो बंदा वाटर ब्रीदिंग यूज़ कर रहा था, वाटर ब्रीदिंग यूज़ कर रहा था, पर मैं डोर्स लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी उसके लिए ब्रूइंग स्टैंड मेरे पास नहीं है वाटर ब्रीथिंग के लिए पोशन के उसके। तो हाँ मैं नॉर्मल वाला यूज़ करने वाला हूँ, और बाकी मैं थोड़े से एमरल्ड सेफ के लिए भी रख दूँगा। नहीं मतलब सेफ छोड़ो भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे को वुड चाहिए, वुक बोल रहा हूँ भाई, क्या है भाई आज तो मतलब बार बार गलत शब्द क्यों निकल रहे हैं मुँह से। मेरे ख्याल से मेरे को प्रेप कर लेना चाहिए जितना भी सामान चाहिए मुझे। पम्पकिन नहीं चाहिए मुझे, पम्पकिन भाई नहीं भाई, तो लाइब्रेरी में यार। और उस बंदे के वैसे वो स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था शार्पनेस 5 वाली, तो मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ। आई नो कि स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है, पर मेरे पास एक्स है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अब स्वॉर्ड किस लिए बेटर है वो मैं बताता हूँ। शार्पनेस 5 के एनचैंटमेंट एक तो मेरे पास नहीं है, दूसरी बात की मेरे पास स्वॉर्ड भी नहीं है, और एक मेरे को वेपन स्मिथ मैंने बनाया जो कि मेरे को एक्स ट्रेड कर रहा है, तो इस टाइम पर मेरे को बहुत एक्स है। तो हाँ तुम समझ जाओ, और अब मेरा शायद वक्त आ चुका है मैं वो उतने की प्रेप करूँ। सबसे पहले मेरे को TNT बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे गार्डियन को तो मैं सेकंड्स में मार दूंगा। मेरे पास बहुत अच्छा सामान है। ओके मेरे को सैंड चाहिए होगी, 5 है मेरे पास, मैं देखता हूँ कितने। मेरे को एटलीस्ट 4 TNTs चाहिए, क्योंकि वैसे तो 3 ही चाहिए, अंडर गार्डियन को मार दिया फिर तो काम बन जाएगा, पर मैं 4 यूज़ करूँ मतलब एक एक्स्ट्रा लेके जाने वाला हूँ मैं। TNT की रेसिपी क्या है, देखो 1 2 3 4 और बीच में डलता है, और शायद से ऐसे डलता है, हाँ 5 गन पाउडर डलता है। मैं सैंड ले लेता हूँ, गन पाउडर का एक सेकेंड, ऊपर 41 गन पाउडर आ चुका है, इतना का तो चाहिए भी नहीं। मेरे को रेड स्टोन ब्लॉक चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। मैं TNT फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, बाकी के रख लेते हैं, 16 बहुत सारी, और ये भी डाल देते हैं। ओके अब मेरे को और चाहिए एक रेडस्टोन का ब्लॉक चाहिए, कितने एक मतलब मेरे को ये नहीं पता कि TNT अगर फूटेगा तो मेरे को रेडस्टोन का ब्लॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई थिंक सो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं होता। तो ये 3 मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि 3 की ज़रूरत है, उसके बाद तो वाटर बकेट मतलब मिल्क के बकेट से काम बन जाएगा। और शीयर्स मेरे को खाने पीने का अच्छा खासा सामान है मेरे पास जो मैं लेके जाने वाला हूँ, और तो आर्मर का जितना भी उसने बताया था वो सब है ही मेरे पास। मेरे को गेट्स चाहिए होंगे जो कि मेरे पास नहीं है, गेट्स मैं निकाल लेता हूँ, गेट्स हैं अभी मेरे पास। शायद नहीं है मेरे पास किट्स, क्या हो सकता है ऊपर वाली चेस्ट में, उसके बाद तो सीधा निकल जाना है। गेट नहीं है तो मैं बना लेता हूँ। गेट्स हाँ मेरे 1 2 6 बना लेता हूँ, इतने से तो काम बन जाएगा। और ब्रेड्स अपने पास है, शेयर्स में लेके चल देता हूँ, शायद पता कब काम आ जाए क्या चीज़। और रेड स्टोन भी बना सकता हूँ, पर नीचे भी मेरा बहुत ज़्यादा अभी ब्लॉक रेड स्टोन जा सकता है अगर मैं मतलब ये ब्लॉक मेरे को नहीं मिले, पर लेट्स चेक आउट। मेरे को क्या बनाना था, वैसे पम्पकिन बनाना था, मेरा मेलन पम्पकिन, मैं
तीन को तो खाने के लिए यूज़ कर लूँगा। तीन पंपकिन बने मैंने बेच देता हूँ ताकि एमरल्ड्स आ जाए, मैं मर जाऊँ तो मैं फिर से वापस आ सकूँ। और मेरे इस पर फेदर फॉलिंग है और इस पर प्रोटेक्शन है, मतलब पूरे आर्मर पे प्रोटेक्शन टू है। तो आई नो ज़्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं है पर हाँ काम चल जाएगा। उस बंदे ने आयरन के आर्मर में मार दिया तो मैं तो भाई डायमंड के हूँ, मैं हूँ तो ये। और फार्मिंग का यस अब मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मैं एक क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए, और फिर चलते हैं। मेरे पे बहुत सारे पिकैक्स भी हैं, इसमें से मैं दो ही लेके जाने वाला हूँ, बाकी तो मैं छोड़ दूँगा। स्टोर यहाँ कर देते हैं, एक दो ये भी छोड़ देते हैं, दो अपने पास है। शवल मैं ले चलता हूँ, आयरन एक्स कभी ज़रूरत पड़ जाए। फेदर रख दो, इसका मैं क्या ही करूँगा। पेपर और रेड स्टोन का मैं क्या ही करूँगा। स्टिक्स और ये खाने पीने का सामान, ये तो सब चीज़ें। तो आई थिंक सो मेरी नर्सरी क्लियर हो चुकी है, अब जो भी सामान मिलेगा वो ऊपर आ जाएगा। और पम्पकिन मैं अपने पास लेके क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं आइडिया। पम्पकिन मैं रख देता हूँ, पम्पकिन मैं रख दूँगा ब्लॉक। यहाँ पर पम्पकिन भी गया मेरा। और ये बाय द वे मैंने एफके फिशिंग फार्म बनाया था, जिधर से मेरे को ज़्यादा कुछ तो इतना खास मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है कभी कभी। तो अब मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है जब हमें चलना चाहिए ओशन मॉन्यूमेंट रेड करने। मेरे पे वाटर ब्रीथिंग पोशन नहीं है और मैं एक मिल्क की बकेट रख लेता हूँ ताकि मेरे पे काम आ जाए। वाटर तो उधर बहुत ज़्यादा ही मिल जाएगा, मिल्क नहीं मिलेगा। मैं एक काओ को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ ताकि मेरे पास इनफिनाइट मिल्क सोर्स हो जाए, पर मैं वहाँ पर एक आइलैंड है तो वहाँ से मिल्क मिल जाएगा। और वैसे भी पहले आने वाले हैं तो यस काम चल जाएगा अपना। अब भाई बहुत ज़्यादा गूस बम्स आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट रेड है ये। ऑफ कोर्स भाई माइनक्राफ्ट में पॉकेट में ही कभी रेड नहीं करा, और अभी तो हम सीधा जा रहे हैं जावा में। तो ओशन मैप है ना, अरे यार है भाई, या भाई मैं भी ना। चलो फिर चलते हैं, सबसे पहले टाइम चेक कर लेते हैं कहीं रात हो जाए, यह सोने वाली है। गाइस फिर मैं काम करता हूँ, मैं तुमसे सुबह करने के बाद ही मिलता हूँ। सो भाई दिन हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी मेरे को नहीं हुआ है, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेपरेशन कर लिया, मतलब मैंने डोर्स बना लिया एक्स्ट्रा, क्राफ्टिंग टेबल ले लिया जो कि मेरे पास पड़ा था, और हाँ मैं ये कुछ मतलब खा लेता हूँ ताकि एक और इन्वेंट्री का स्लॉट खाली हो जाए। और बिल्कुल बकेट तो है ही अपने पे, तो लेट्स गो देखते हैं कि क्या होता है, क्या हम वॉर जीत पाएंगे। कोबल स्टोन मेरे पे है ही तो यस। और बाय द वे मैं ये भी लेके जाने वाला हूँ, मैं अपनी बो पता नहीं क्यों लेके जा रहा हूँ, पर हाँ मेरे को वो खुद नहीं पता कि देखो गार्डियन का तो चलो ठीक है जितना डैमेज देगा देगा, जो उसके छोटे छोटे हैं ना वो एंडर गार्डियन का तो ठीक है, जो वो छोटे छोटे गार्डियंस होते हैं उनका मुझे नहीं पता सच बताऊँ तो, कि कितना डैमेज वो देंगे, कितना डैमेज दे सकते हैं। ओशन एक्सप्लोरर मैप निकाल लेते हैं, मछली कूद रही है भाई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे को मारूं, मरने के लिए ही कूद रही होगी और किसी लिए कूद रही होगी, तो बेचारी भी उसके पास मिशन नहीं रहा होगा या फिर उसके पीछे कोई शार्क पड़ गई होगी। आई डोंट नो माइनक्राफ्ट में शार्क होते हैं या नहीं होती, मेरे ख्याल से तो नहीं होती। ओके यहाँ पर देखा भाई अभी बस पहुँच जाएंगे एक मिनट में, मैं स्किप भी नहीं करूँगा वीडियो, कुछ नहीं करूँगा, तुम खुद देख लो कितना पास है, मतलब ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं है पर हाँ पास में है, अच्छी बात है हमें थोड़ा सा पास वाला मिल गया। पर एक बात है वो क्लीन नहीं है बिल्कुल भी, यस उसमें पूरे के ऊपर तक मैंने जहाँ तक देखा था मतलब को जहाँ तक याद है उसके ऊपर यही कैल्प वेल्प पड़े थे। और हाँ ये देखो ये आइलैंड है छोटा सा, मतलब आइलैंड के बजाय ये लैंड भी हो सकती है, आगे तक कनेक्ट हो रही है पर मेरे को अभी तक इतना एरिया दिखा है तो यस। और वो बाय द वे मैंने रेड करी थी और उस पर से मेरे को आयरन इन गॉट मिले थे, और ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं, बस मेरे को ट्राइडेंट चाहिए क्योंकि अगर एक बार रेप्टाइड वाला ट्राइडेंट हो ना इसको ओशन एक्सप्लोरर को रेड करते हुए तो वो तो भाई मज़े आ जाते हैं रेप्टाइड वाले ट्राइडेंट के साथ। और ये भी हाँ ये मैंने रेड करा था तो इधर से मेरे को आयरन गॉट मिले थे यहाँ से, या इधर का मेरे को याद नहीं वेट वेट मिला होगा। और कहाँ पर है चंग डिस्टेंस भी शायद कम है या ज़्यादा है मेरे को खुद नहीं पता, मेरे को इफेक्ट मिल जाता अगर मैं होता पास। कहाँ पर है ओके
शायद वो है, रुक जाओ मैं फिशिंग रॉड अपनी हटा देता हूँ, पिकैक्स हटा देता हूँ, फिशिंग रॉड नहीं, फिर कहाँ है। अच्छा इसके हिसाब से तो थोड़ा सा और चलना पड़ेगा ना, ये एक्चुअली मैप मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर रखा है इसलिए। तो लेट्स चेक आउट कहाँ तक है, मेरे को माइनिंग 40 लग जाएगा अगर मैं उसके ज़्यादा पास जाऊँगा तो मेरे को पता लग जाएगा कहाँ पर है। ओके यही है शायद, हाँ यही है, मैंने बोला था जैसा कि ये देख रहे हो ये रहा वो अंडर गार्डियन वो रहा, और शायद उसका यही होगा दूसरा वाला पिलर। हाँ ये पूरा सैंड में है क्या, मुझे नहीं पता, लेट्स चेक आउट भाई, हो सकता है ये बैक साइड हो, कुछ नहीं पता मुझे। और ओशन चेंज हो चुका है यहाँ पे, इफेक्ट मिलेगा मैंने कोटिक का। ओए व्हाट, वहाँ शिपरैक है और ये आ गए उसके छोटे छोटे से चमचे। मैं इनको तीरों के साथ तो मार नहीं सकता, मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक बार, मैं एक सेकंड में मिलता हूँ आपसे फिर। ओके सो भाई अब हम वापस आ चुके हैं फाइनली, एंड वो देख रहे हो मेरे को सामने अपने गार्डियन वार्डियन दिख रहे हैं जैसे वो रहे। अब मेरे को खुद नहीं पता वो मेरे को कितना डैमेज देते हैं, बट हाँ डैमेज देते हैं वो। यहाँ पर ये यहाँ तक फैला हुआ है तो आई थिंक से मेरे को जाना पड़ेगा, मैं बैक साइड में हूँ उसकी शायद, वेट हाँ शायद मैं बैक में ही हूँ उसके, चेक करने दो पहले तो बैक फ्रंट क्या है। ये डैमेज देंगे मेरे को, हाँ शायद नहीं, ओ देते हैं, एक सेकंड देखने तो दो बैक का है फ्रंट का है, आई थिंक सो ये है बैक। अरे यार तू ना बस भाई बस दे दिया तुमने डैमेज, एक एक करके जो ये हाथ खाते हैं ना बंदा तो गई मर आ जा मर लड़ कितना भागता है मर। मेरे को आई थिंक सो शॉर्ट बनाने की पड़ेगी, दो हिट तीन हिट तो एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई जानते भाई पीछे ही पड़ गए यार, ऐसा यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं तुम्हें। आई थिंक सो मुझे पता है फ्रंट कहाँ है बैक कहाँ है, ये है जहाँ तक मेरे को दिख रहा है बैक, वो उस तरफ होगा फ्रंट। ये बंदे ना इतना अनोइंग है, एक एक करके हार्ट डैमेज ले रहे हैं पर ले रहे हैं भाई, एक एक करके ही ले रहे हैं पर ले रहे हैं। आई थिंक सो ये है बैक फ्रंट जो भी बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, सीख दबा के क्या मैं इससे भी देखूँ, इससे तो एकदम कुछ ही नहीं दिख रहा। ठीक है मेरे ख्याल से मुझे उससे वाइट लेनी पड़ेगी, पर दिक्कत पता है क्या है मेरे पास, बंदे ने मुझे माइनिंग 40 दे दिया है, ये बंदा मेरे को मारता रहेगा तब तो मैं फाइट नहीं करूँगा। आई थिंक सो मुझे जाना पड़ेगा फाइट के लिए, पर उससे पहले पीछे आ पीछे आ पीछे आ, यार तुम कितना डैमेज दे दोगे मुझे। उससे पहले मेरे को ना अपनी इन्वेंटोरी प्रिपेयर करनी है, कॉबल स्टोन्स हैं TNT निकाल लेते हैं, बो की ज़रूरत नहीं है, एंड रेड स्टोन के ब्लॉक्स भी निकाल लेते हैं। अरे भाई 100 पर मतलब 100 करके 100 पर ले रहे हैं, आई थिंक सो ब्रेड्स निकालनी पड़ेगी यार, खान दो तू डैमेज दे रहा, पर ये शक्ल देखिए अपनी। अब देखो पहला एंडर गार्डियन तो नहीं, तो पहले को तो हमें ऐसे ही मार दूंगा, अरे यार लगना है ब्लॉक ये एक चार, ओके निकल भाई बंदे ने बहुत ज़्यादा निकालो यहाँ से भाई, अच्छी बात तो निकल गई पर बुरी बात तो ये है कि सर जी बोट में बैठ गए हमारे। ओके अब मेरे को ओशन एक्सप्लोरर दिखाओ मैं किस तरफ हूँ ओशन एक्सप्लोरर के, ओशन एक्सप्लोरर पीछे ही है मेरे शायद, कहाँ है
हैं, बोट उल्टी लेके जा रहे हैं वो थोड़ा। ओके ये रहा फ्रंट, ठीक है यहाँ पर एक है वहाँ पर दूसरा है एंड वो रहा ऊपर एक। तो मेरे ख्याल से मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ और ऊपर भी जा सकता हूँ। अभी ऊपर है ज़्यादा मॉब्स और इस तरफ है कम मॉब्स, तो फिर मेरे ख्याल से मेरे को इसी तरह करना चाहिए। मतलब मॉब्स नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये गार्डियन से है ना। उतना इजी है, अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर फिर भी कम डैमेज पड़ रहा है मेरे को। इंशाल्लाह लेके आना ही चाहिए था, पर नहीं इतना हार्ड भी नहीं है मेरे को। बस ब्लॉक लगा दिया है मैंने, TNT लगा के रेडस्टोन से लाइट अप करना है। आई कैन डू दिस। चलो फिर ब्रेड खा लेते हैं। बस 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 पहुँच गए। कहाँ लगा हुआ है? फिर से माइनिंग फोर्टिक दे दिया इसने मेरे को। पहले तो बोट लेके निकलने दो कि मतलब लगा कहाँ है ये माइनिंग फोर्टिक बोल रहा हूँ, ये है कहाँ पर? मेरा कॉबल स्टोन मैंने लगाया ही नहीं है। देखो यहाँ पर लगाना है एग्जैक्ट मुझे, वहाँ पर वो तीन घूम रहे हैं, नहीं चार पाँच पता नहीं कितने हैं। ऊपर अभी एक भी नहीं है, ऊपर मेरे पास है मौका जाने का, तो मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी। अरे यार ये तो नहीं लगा था, ऊपर ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। बस कवर स्टोन ये मिट्टी लगा के इसके ऊपर रेड स्टोन ब्लॉक, बस 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 करेगा काम। ओके करा करा, ये आ गए मेरे को मारने, अच्छी बात तो ये मुझे अभी ये डैमेज नहीं कर सकते। मेरे को दो ही रेड स्टोन मिला, मैं अपना तीसरा रेड स्टोन का ब्लॉक लिए बिना तो मैं नहीं जाने वाला अगर वो मिलता हो। और ये ना एक तीन चार, आई थिंक सो बोर्ड लगाना पड़ेगा के लिए। ये बंदा मुझे डैमेज देता रहेगा। निकल 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 निकल, ठीक है मेरे ख्याल से मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी बस पकड़ और निकल गए, मैं बहुत ज़्यादा लूँ और मैं मरना नहीं चाहता। ओके खाना था। देखो सनसेट इस तरफ हो रहा है, मतलब मेरा बेस किधर है मुझे खुद नहीं पता। फेस कहाँ आ रहा है? ओके मेरा फेस अपोजिट साइड में है, मुझे इस साइड आना है, ठीक है चलेगा। मैं बहुत गंदा पिटते पिटते मतलब मरते मरते बचाऊँ। मेरे पास रीजनरेशन के लिए नहीं है और मेरे को उनका फर्स्ट गार्डियन दिख चुका है, बस मुझे इसे मारना है और फिर मेरे को स्पॉन्जेस मिल लेने हैं, पता नहीं क्या लेना है। मैं आई होप सो सीधा जा रहा हूँ, हाँ तो इसी साइड की तरफ जाते हैं। मेरे को या तो ऊपर एक बेस बनाना पड़ेगा। ओके भाई मुझे खुद नहीं पता पर ये डैमेज बहुत गंदा करते हैं। मैं ओके मेरे को रेडस्टोन ब्लॉक मिल गया तो ठीक है, TNT गया बस हमारा, कोबलस्टोन की नहीं ज़रूरत है, नहीं भी मिलता तब भी काम बन जाता। और उसका भी लुक अभी तुम्हें दिख ही जाएगा जब मैं पहुँचूँगा। देखा ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच ही वाला हूँ बस, पता नहीं कब तक, पर हाँ पहुँच जाऊँगा मैं। एक बार फिर मैं हाँ उसके पास ही चलता हूँ, ये दिखाई देते हैं कि ज़्यादा दूर तो है नहीं। सन मतलब मून सनसेट जहाँ पर होता है उसके अपोजिट साइड में है मेरा, मतलब मून राइज हो रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे है। और शायद आ गया, रुक जाओ गलत जा रहा हूँ मेरे को उस साइड जाना है। ये तो वो है हमारा, इधर भी मैं आया हूँ, इधर वो घोड़े वोड़े हैं, तो इधर ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इधर एक ट्रेजर ढूंढने आया था मैं और वो भी नहीं मिला मेरे को भाई, लक ख़राब है। मतलब मेरे को चेस्ट ही नहीं मिली, अब क्या पता उसमें डायमंड्स हों पर मेरे को चेस्ट ही नहीं मिल रही, तो
अभी मैं ओशन एक्सप्लोरर के लिए आया था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मेरे को जाके सोना पड़ेगा, देन मैं वापस आऊँगा, देन मैं मारूँगा, देन फिर से जाना पड़ेगा मेरे को सोने के लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं मरने वाला, मैंने देख लिया। और ये वाला डैमेज बहुत गंदा करता है तो हाँ। और इसके साथ जो छोटे छोटे हैं ना चमचे, वो तो भाई और अनोइंग है। मतलब एक एक हर्ट लेते हैं ये, ज़्यादा नहीं है एक एक हर्ट भी, पर हाँ भाई लेते तो है ना। और ये हम आ चुके हैं, यस व्यू भाई, रात के टाइम में इससे प्यारा व्यू भाई कहाँ ही मिलेगा तुम्हें। वो देखे वो उधर एक्सपी फार्म है, अपना घर, इतना प्यारा व्यू है भाई। और ये बैम्बूज अपने, मेरे को यहाँ पर बोर्ड से निकल जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। मेरे को एक्चुअली कैप्स दबाना था और मैं स्पेस दबा रहा हूँ। तो मिल्क बकेट है मेरे पास, तो मैं माइनिंग 40 इजीली हटा लूँगा। मेरे को माइनिंग 40 तो भाई बच्चों वाला है, माइनिंग 40 कुछ नहीं कर सकता। भले ये 2 मिनट का देते हैं माइनिंग 40। हाँ अभी देखो मेरे पास आयरन एक्स है ना, फिर भी मैं एक टूर तक नहीं तोड़ सकता अगर मेरे को माइनिंग 40 लगा हुआ है। और अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको सीधा डायरेक्ट उधर ही जाकर मिलता हूँ। सो भाई अभी बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर उधर स्लीप करके यहाँ पर आया, और उतने में ही मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ पर टाइम लगा दिया मैंने, पर रात हो गई। यस तो मेरे को फिर से आधे रास्ते में ही फिर से वापस जाना पड़ा। एंड यस मतलब मैंने थोड़ा सा प्रेपरेशन करी है कि मैंने डोर्स बना लिए हैं, स्टिक्स बना लिया, बाकी जो दो डंडी बची थी एक गोल्डन एप्पल ले लिया कि बाय चांस, अब वो इतना ज़्यादा डैमेज देते ही हैं, और बाय चांस मैं मेरी हेल्थ लो हो तो यस मेरे ख्याल से मुझे डॉल्फिन लगेगा, लग गया। यस डॉल्फिन मुझे कहीं लेके जाएगी शायद। दो डॉल्फिन आ गई भाई, मैं इतना अच्छा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता था। डॉल्फिन ग्रेस जा रहा है क्यों? अरे दे ना उसे, दो मुझे आगे जाना है, दो 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 जल्दी दो। कहाँ है डॉल्फिन? वो देख रही है मुझे डॉल्फिन ग्रेस, थैंक यू। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा शायद से। ओके मेरे पीछे बहुत दिक्कत है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, बैठना ठीक है। चलो अब तो मेरे को रट गई है भाई कि कहाँ कहाँ कैसे जाना है, कहाँ पर और कैसे जाना है, सब पता लग गया अब तो। तो बस तुम दिखाओ, अब तो बस फाइट करवाओ उस छोटी से भाई। उसके जो नल्ले हैं ना, उसके दोस्त, वो इतना गंदा डैमेज देते हैं। आ गया वो, आई थिंक सो वही है। एक सेकंड, अरे नहीं यार वो तो लूटेड है जो मैंने लूटा है, तो उसमें कुछ होगा भी नहीं शायद, पता नहीं क्या है। अगर इधर ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी आ जाए, उसने मेरे को ट्राइडेंट दे दिया ना, तो बेस्ट हो जाएगा। पता नहीं मैं वीडियो क्यों लंबी करवा रहा हूँ, पर लेट्स कुछ नहीं पड़ा। अरे यार निकलने दे भाई, अरे क्या कौन सा मैग्मा क्यूब लगा है भाई इधर? मैग्मा क्यूब एक ही होता है, मेरी बोट को गिरा रहा था भाई, अलग लेवल का है भाई। यहाँ पर ही जाना है मुझे एग्जैक्ट, मैं सही जा रहा हूँ। एंड लेट्स होप कि मैं जीत जाऊँ इस फाइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खो दिया है। बस मुझे जाना है, उसको पेलना है, बस ओवर ओवर एंड आउट। मेरा आर्मर अगर चला गया ना, बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा, क्योंकि मैं मरना बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरे पास प्लान बी है, गोल्डन एप्पल, जो कि मेरे को माइंड शाफ्ट से मिला है लूट करके, जो कि मैंने शायद बताया हो या शायद नहीं। एक सेकंड, वो क्या है, शिपरैक है, क्या ही लूट मिलेगी। इमेजिन उधर ट्राइडेंट मिल गया, आई होप सो। हाँ यही है वो, हम उस एरिया में एंटर कर रहे हैं। मैं उससे पहले शिपरैक लूटना चाहूँगा, क्योंकि शिपरैक में ऑफकोर्स लूट हो सकती है। कहाँ पर है, आई थिंक सो ये रहा, कहाँ है, यस कुछ ज़्यादा ही बड़ा शिपरैक है। मेरे को अपनी बोट को लेके आना चाहिए, मैं मरना बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता इस पॉइंट पर। ओके अब मेरे को यहाँ से निकलना है, एंड लेट्स गो एंड होप फॉर द बेस्ट। मैंने ऐसे शिपरैक पहले भी ढूंढे हैं, मैं डोर लगा लेता हूँ
खड़ा हो जा भाई। क्या कैरेट है, पम्पकिन है, हेलमेट है, एक्वा इफिनिटी वाला है मेरे पे, एक्वा इफिनिटी। क्या एक और चेस्ट होगी उधर, मैं इसको तोड़ बुक है, बड़ी ट्रेजर मैप है। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गेट ले सकता हूँ। नहीं चाहिए भाई, गेट भी रखो भाई, तुम अपना गेट अपने पास रखो, मेरे को बस ओशन मॉन्यूमेंट रूल करने दो। मेरा ओशन मॉन्यूमेंट इसके सर पे जाना है, उसको ओपन ही है वो तो। और उधर चार पांच स्पॉन हो चुके हैं। अरे वो बाहर आ गया क्या? व्हाट, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी। और अगर वो बाहर आ गया तो शायद इसे मारना ज़्यादा ही गड़बड़ है भाई। ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, क्या बंदे हो। अगर ये बाहर आ गया तो उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। माइनिंग 42 दे दे यार, पर डरा मत। इसके जो चमचे हैं ना, वो देख रहे हो, उसको मारने जा रहा हूँ, चमचा हारा है। क्यों भाई, मरना है क्या? तीन तीन हिट हो तो इधर आ, एक हिट मारेगा उसके बाद मैं मार सकता हूँ भाई। भागो, अरे बस बस भाग गया भाग गया भाग गया भाई भाग गया भाग गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बस 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 भाई, उसको मैंने कितने हिट मार दिए, मरता क्यों नहीं भाई। अरे यार तुम मेरे चेप मत हो, मेरे को एक बार एचपी फुल करनी पड़ेगी, ये फाइट बहुत ज़्यादा रिस्की जा रही है भाई। उसमें तो कुछ ज़्यादा ही ईजी गई थी मेरे ख्याल से, उसके पास स्वॉर्ड थी, मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ। पर यार एक्स भी सही है भाई, इतनी गंदी भी नहीं है। बस यार बस बस बस, बहुत डैमेज दे दिया, अब जल्दी से उस गार्डियन को मारना है। उतर, फेल दे, ये एक बार मार सकता हूँ। भाग रहा है, भाग कर रहा है, मरेगा तू आज। एक को तो मैं मारूंगा, पर मेरी बोट कहाँ है? व्हाट, अब तो रात हो गई, अभी नहीं, तो भागना पड़ेगा। ओके भाग गया, एस्केप एस्केप सक्सेसफुल। रात होने वाली है क्या? पता नहीं भाई, सूरज का भी खाई है यार। ये बहुत ज़्यादा ही गंदा डैमेज नहीं दे रहा, मैं इसको बो से मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बो से मार सकता हूँ तो बेस्ट हो जाएगा। रुक जाओ, लेट्स चेक आउट। मैं इससे इतने डिस्टेंस पे रहता हूँ ताकि ये मेरे को देख ना सके। आई डोंट नो कहाँ गया वो, कहीं अंदर ना घुस गया वो। रुक जा, ये एक, अरे पड़ा, तू मारेगा? अरे नहीं नहीं भाई, मारते हैं भाई। अरे बस बस भाई, निकल गया। नहीं आ रहा। हाफर्ट। आई थिंक सो, मेरे किसी को और आना चाहिए। मैंने गोल्डन एप्पल रखा था इस दिन के लिए, पर नहीं यार, उधर एक भी गार्डियन नहीं मार पा रहा मैं, उसका एक गार्डियन भी नहीं मार पा रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को शायद मैकेनिक, मेरे को ना उनके चमचे बहुत गंदा डैमेज दे रहे हैं। ट्राइडेंट मिल गया ना, फिर तो मज़े हैं, पर ट्राइडेंट भी तो नहीं है, ये तो तीन हिट हो जाए इजी पीजी। मेरा उसमें के अंदर एक गेट लगा हुआ है, आई थिंक सो मुझे चलना चाहिए, आई थिंक सो, या फिर नहीं, क्योंकि उधर चार पांच है। पर मैं उधर अंदर जाके तो उसको मार ही दूंगा। अंदर नहीं है भाई, वो बाहर ही है, और उसके चार, एक दो तीन चार, पता नहीं कितने घूम रहे हैं। और अभी तो ज़ॉम्बीज और आएंगे, रुक जाओ, लेट्स ट्राई, मैं उसे तीर मार सकता हूँ या नहीं। उसे नहीं पड़ा, लेट्स गो। इधर है, इधर की तरफ है, आई डोंट नो बाहर की तरफ है ये अंदर गया, शायद ये अंदर से ही दिख रहा है। कितना बड़ा वाला है ये, मतलब छपरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। इधर आ जा, बस एक को तो मारना है। नहीं यार, इनका डैमेज ना,
वॉट रूइन टोटल पानी के अंदर कैसे पॉसिबल है ये कैसे पॉसिबल है भाई? रुक जाओ, इमेजिन मेरे को उसके अंदर से ट्राइडेंट मिल गया। अभी तो बस ट्राइडेंट चाहिए मुझे। कैसे दो, कहीं भी दो, कहीं से भी दो। अरे भाई, 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 बस 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 भाई भाई एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 4, फ्लिंट है और आयरन नगेट है, ठीक है, और एक गोल्ड ब्लॉक है और वो मैं लेने वाला हूँ। माइनिंग 40 और भाई जल्दी जा यार, 30 सेकंड की मैं कुछ नहीं तोड़ सकता 30 सेकंड तक। आयरन पे क्या एक्स है मेरे पे, ठीक है, जाने वाली है 20 सेकेंड। और भी है इधर ऑब्सीडियन लग रखा है 14। क्या चल रहा है भाई, जल्दी से हो, उतर गई। 7 5 4 3 2 गोल्ड तो मैं माइन करूँगा, गोल्ड तो देना पड़ेगा। मैं ना अगर उसके साइड में ना ऑब्सीडियन लगा दूँ, चलो मेरी बोट कहाँ पर है, सॉरी, और मोशन मॉन्यूमेंट भी वहीं पे है, इसके बोट के साइड में ही है। ओके चलो भाई, मैं जितनी प्रिपरेशन करके आया था सारी काम बिल्कुल नहीं आई, कुछ काम ही नहीं आया मतलब। ओके वो रहा एंडर गार्डियन मेरे पास है वो, और रुक जाओ वहीं पे बैठा है, थोड़ा सा पास चलता हूँ। शिंग रॉड से अगर उसे बुला पाया ना मजे आ जाएंगे, ये नीचे उसके चमचे घूम रहे हैं। तुम मुझे मत देखना बस, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। ओके मेरे को इसे आई थिंक से फर्स्ट हैंड में रखना चाहिए। वो देखो उसने लोकेशन बदली, शायद वो नहीं रेंडर डिस्टेंस के अंदर आ गया वो, पड़ा। अरे यार नहीं पड़ा, वो यहाँ पर है बाहर एकदम, और वो सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा सीन है बाहर। मेरे पास गोल्डन एप्पल है, तैयार रहना चाहिए गोल्डन एप्पल। तो चलो मेरे ख्याल से वेट करते हैं, बजना चाहिए ना क्योंकि मेरे रेंडर डिस्टेंस से भी बाहर है। नहीं भाई तू नहीं, देखना भाग गया वो, भाग जाता है, तू भी निकल और इसको मारना है। अरे यार थोड़ा सा ऊपर नहीं पड़ेगा, अरे पड़ा उसके, थोड़ा सा क्या छुप रहा है, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। लाइट भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं लड़ने जा रहा हूँ पता नहीं क्यों, मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ पर कहाँ गया भाई, कहाँ गया। अच्छा ये तो रहा, पड़ा उसके, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा उसके, लगता भी नहीं है क्या, कहाँ गया वो, डोंट टेल मी वो अंदर गया। ये
इसकी फेस है ये, और ये है बोरा ना। बाहर आ जाते तभी है, अंदर जाने के बाद। अरे यार 9 तीर बचे, आर यू सीरियस? आई थिंक सो वी हैव टू फाइट लाइक दिस ओनली। आजा फिर लड़ लड़ ना। अरे तो नहीं, यहाँ पर ही 4-5 मिनट लग रही है। टीम अप भाई, टीम अप ना। ये ना साइड के 4-5 ना हो फिर तो मजा आ जाए। पड़ा इसके, पड़ेगा इसके। तू मारेगा मेरे को, शक्ल देगी अपनी। एक मर गया, स्पॉन्ज मिला, एंड एक को मारना ही बहुत बड़ा टास्क था। मैं बाद में क्यों को मार दूंगा जब मेरे पास ट्राइडेंट आएगा। अभी के लिए तो वही सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं। मैं अगर कहीं भी गया ना, डैमेज भी पड़ रहा तो मेरे को बहुत गंदा डैमेज देते हैं। और ये उसकी फ्रंट है तो मेरे को बैक साइड से जाना है, और ऑलरेडी डे हो चुका है। मेरे को बैक साइड से जाना है और बैक साइड में ही जाना है, जो कि है ये वाली TNT भी है। खा लेते हैं, कहाँ से डैमेज दे रहा है भाई, देखना मतलब बताओ। मरना चाहते हैं बस। हाँ पता था भाई, गोली क्यों लड़ेगा अभी अभी यहाँ पर ना जो डेविल है ना उसको ख़त्म किया है। बहुत यार, नहीं भाई अनोइंग है ना, क्यों मैं हुई नहीं, तू मर जाएगा बस। कहाँ है तू, इधर दूर फेंके बन गया तू। आ गया, आ जा। 4 हिट में 5 हिट में मर जाएगा तू, और तू मेरे से लड़ेगा। ओके ये शायद ट्रेजर रूम है। ओ नो, आई थिंक सो यही ट्रेजर रूम है। चल भाई, यस नजर। एक TNT, कोबलस्टोन गया, बहुत सही। रेडस्टोन का ब्लॉक दे दे बस, थैंक्स। आ जा तू लड़ेगा, तू लड़ेगा, आ जा लड़ना। 9 है 9 डैमेज 9 डैमेज, समझते है तू? क्रीम डैमेज तो अच्छा, मतलब मेरी एक्स पे 9 डैमेज। मैं सब काट दूंगा अगर हो सका तो। पड़ेगा तेरे, अब तू रोएगा। क्या बोला? तू रोएगा। अरे दो और आ गए मरने के लिए, 3-3। क्या तुम से स्पॉन होते रहते हैं? 4 नहीं। अरे बोट सीरियस, इनको शायद पता लग गया कि मैं इनका खजाना ले रहा हूँ। ओके स्पॉन्जेस तो मैं ले सकता हूँ अगर मेरे को ये मौका दे। मुझे यहाँ पर बस एक सेफ बनाना है। जो कि मैं इजीली बना दूँगा।
ये मुझे नहीं मार पाएंगे यार। बस भाई, वो मेरे को उसके आर पार देख रहा है। तू तू मारेगा, मार दे। शील्ड से फुल नहीं होती। हाँ, अरे भले ही गंदा नहीं देते उतना ज़्यादा, पर हाँ एक तरफ से तो घुस ही जाते हैं ये सारे, सारे के सारे उधर ही आ जाते हैं। बताओ यार, मैंने यहाँ पर TNT ब्लास्ट करवाया है, मेरे को तुम जाने भी तो कैसा यार। बस भाई, अब मेरे को डॉल्फिन का ग्रेस मिल गया, मेरे को ज़्यादा फास्ट हो गया। कुछ भी तोड़ नहीं सकता माइनिंग फोर्टी की वजह से, और जैसी हटेगी ये मेरे को एक और दे देंगे, तो जितना बेड गेट लग गए उतने सही है फिर शायद। तो ओशन मॉन्यूमेंट एक्सप्लोर भी करना ही है, अब आ ही गया तो। इधर कुछ नहीं है, सांस जाने वाला है मेरा। पर इनको आने दो एक बार, मेरे को टोटम ऑफ अंडाइंग लाना चाहिए था। ओके लेवल छपरी। मैं अगर दूध पीऊँगा तो मेरे को फिर से लग जाएगा वो, मतलब मेरे को दूध पीना है एंड फटैक से माइन करना है, एंड मुझे पता है वो कहाँ पर होता है। मेरे को पीना ही, पर उससे पहले मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 12 सेकंड में चला जाएगा, लेट्स गो। ओके जल्दी जाए। गया था और उसने फिर से दे दिया, और मैं यहाँ पर कैप्चर हूँ अगर मैं इम्पोर्टेड ना हो। ओ व्हाट, मैंने उनके 8 के 8 ब्लॉक ऐसे ही ले लिए। एक तो मेरे को वहाँ से मिला, तो आई थिंक सो मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा देर तक रिस्क नहीं ले सकता, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ से आया था। बस ऊपर डिप डाउन करो। ओके अच्छी बात है मैंने एस्केप कर दिया, नहीं तो मैं अभी अटका रह जाता। और अच्छी बात तो ये भी है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स मिल गए गोल्ड के, एंड मैंने बिना गार्डियंस को मारे ही रेड कर दिया। अब बस निकलो यहाँ से, सबसे पहले खाना खाओ। एंड भाई मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं स्पॉन्जिस भी ले जाऊँगा पर अभी नहीं, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा हुआ है। एंड मेरे को पता लग गया सब कुछ, तो मैंने ले लिया स्पॉन्जिस, बस लेने हैं वो मैं ले लूँगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ तुमसे कैसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम, एंड बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। इतना मरा नहीं इसकी आज की वीडियो में, पर हाँ मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया था, हाफ आउट गया हूँ मैं इसकी वीडियो में। तो बाय बाय।